एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे पूछा है एक चीज को दोबारा, वो है कर्व। कर्व में भी एंगुलर मेथड के अंदर रैंकाइन मेथड। आवाज आ रही है एक बार कंफर्म करना दोबारा। आ रही है सर। ठीक ठीक तो थोड़ा सा रिव्यू करूंगा मैं कर्व का, उसके बाद रैंकाइन मेथड को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कर्व जैसे कि आप जानते हो कि जब हम किसी रोड पे हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हमें कर्व की यूज पड़ता है, और जब रोड हम बनाते हैं तो वहां पे हमें कटिंग कम से कम करनी पड़े, कम से कम काम करना पड़े, इसलिए हम कर्व दे देते हैं। स्मूथ राइडिंग के लिए भी हम कर्व देते हैं। ठीक है, कर्व दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी हॉरिजेंटल टाइप, एक होती है आपकी वर्टिकल टाइप। थोड़ा सा रिव्यू दूंगा, फिर उसके बाद उसी मेथड के ऊपर जाएंगे जो पूछा है स्टूडेंट ने। वर्टिकल होती है, फिर हॉरिजेंटल के अंदर आपका होता है एक सर्कुलर, एक होती है आपके ट्रांजिशन कर्व, एक होती है आपकी कंबाइन कर्व। ठीक है, और आपका जो सर्कुलर कर्व है इसके अंदर होती है फिर सिंपल, और उसके अंदर होती है कंपाउंड, और एक होती है रिवर्स। ठीक है, फिर ट्रांजिशन के अंदर भी क्यूबिक, कोलाइड और स्पाइरल टाइप की हमारी कर्व होती हैं। इस तरह से कर्व का स्ट्रक्चर है। तो हमने जो पढ़ा था, सबसे पहले तो हमने ये जाना था कि किस टाइप की कर्व होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व। उसके बाद हमने कर्व के कुछ एलिमेंट्स के बारे में हमने पता किया था, जैसे कि डिफ्लेक्शन एंगल, जैसे कि टेंजेंट लेंथ टी एल, और कॉर्ड लेंथ, कर्व लेंथ, और एपेक्स डिस्टेंस, डिग्री ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व। ये सारे एलिमेंट्स को कैसे निकालना, छोटे छोटे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हमने निकाला था। उसके बाद आया था नेक्स्ट टॉपिक डिजाइन ऑफ कर्व। डिजाइन ऑफ कर्व में हमने क्या किया था, रेडियस ऑफ कर्व और किसके बीच में डिग्री ऑफ कर्व, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकाली थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था आपका सेटिंग आउट कर्व, यानी कि आपने कर्व, आपको पता है कि इतने टाइप की होती हैं, और कर्व के अंदर जो एलिमेंट है उनको निकालना भी आपको पता है, लेकिन उस कर्व को ग्राउंड पे कैसे सेटिंग आउट करोगे आप, वो आपका मेथड था। उसमें भी क्या था, आपका दो मेथड थे, एक था आपका लीनियर मेथड, एक था आपका एंगुलर मेथड। एक था लीनियर मेथड, सेटिंग आउट हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, सेटिंग आउट कर्व। थोड़ा सा जो है ना स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, सेटिंग आउट कर्व में था एक लीनियर और एक था आपका एंगुलर, यानी कर्व को ग्राउंड पे कैसे सेट करना है, उसके दो मेथड थे, लीनियर एंड एंगुलर। लीनियर के अंदर मेथड था एक ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड। सेकेंड मेथड था बाइसेक्शन मेथड। थोड़ा राइटिंग ये माउस से ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, मेरे पास पैड नहीं है अभी। और थर्ड आपका था ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट। उसके बाद था ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस। तो ये चार मेथड थे आपके लीनियर में, और एंगुलर में जो था आपके दो मेथड थे, एक तीन मेथड थे, एक था रैंकाइन मेथड, दूसरा था टू थियोडोलाइट मेथड, थियोडोलाइट मेथड, और तीसरा था टेचोमेट्री मेथड। तो जो स्टूडेंट का क्वेश्चन आया, वो आया कि रैंकाइन मेथड एक बार बता देना, तो मैंने एक स्ट्रक्चर बता दिया कि रैंकाइन मेथड कहाँ से निकल के आया। ठीक है, अब हम रैंकाइन मेथड पे चलेंगे। तो मेरे पास एक बुक का है, इसमें रैंकाइन मेथड, इसको थोड़ा सा समझना आराम से क्या कह रहा है ये। ये रैंकाइन मेथड, इसे टेंजेंशियल मेथड भी कह सकते हो, डिफ्लेक्शन मेथड भी कह सकते हो। क्या कह रहा है, डिफ्लेक्शन एंगल टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ये आपकी कर्व है,
इस पे कोई भी एक पॉइंट, इस जो लैंग्वेज है उसी को हम ड्रॉ करते हुए समझेंगे, कोई भी पॉइंट डिफ्लेक्शन एंगल टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कर्व के डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, इस मेथड के अकॉर्डिंग, इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कर्व। पॉइंट ऑफ कर्व होता है जहां से कर्व स्टार्ट हो रही होती है, वहां से जो टेंजेंट होती है एक, ये टी वन जो होता है आपको याद होगा पॉइंट ऑफ कर्व, एंड द लाइन ज्वाइनिंग दैट पॉइंट टू पी सी, इस पॉइंट जो क्या कहते हैं लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व से उस पॉइंट तक की जो लाइन ज्वाइन करेंगे इनके बीच का जो एंगल होगा वो डिफ्लेक्शन एंगल होगा डेल्टा, ये कह रहा है यहां तक ये डेफिनेशन में इस मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। दस रिफरिंग टू फिगर, ठीक है, डेल्टा वन इज अ डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ ए, ये पॉइंट ए है, इसको आप डेल्टा कह लो या थीटा कह लो ऐसे, वन इज द डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ बी इज द मेथड ऑफ, अब ये क्या कह रहा है इसको भी मैं थोड़ा सा क्लीन उसमें डायग्राम में बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आएगा, देखो ध्यान से देखना बिल्कुल, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे डायग्राम बनाने की, जो साफ सुथरा डायग्राम बने, ये है आपकी कर्व और ये पॉइंट जो है आपका, ये है आपकी टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ कर्व, ये T1 जो है पॉइंट ऑफ कर्व है, ठीक है। अब कोई भी तीन पॉइंट ले लो, आप तीन ले लो, ज्यादा ले लो, अभी हम तीन लेके चलते हैं, आपको आपको भी तीन लेके ही चलना है एग्जाम के परस्पेक्टिव व्यू से। एक पॉइंट ये रहा, इसको बोल देता हूं मैं A, एक पॉइंट ये रहा B और एक पॉइंट ये है लास्ट का C, ठीक है। अकॉर्डिंग दिस मेथड डेफिनेशन क्या कह रहा है, जो पॉइंट ऑफ कर्व है इसको PC भी लिख देता हूं मैं, T1 PC भी है पॉइंट ऑफ कर्व, पॉइंट ऑफ कर्व से जो टेंजेंट जा रही है और पॉइंट ऑफ कर्व से इस जो उस पॉइंट तक की लाइन है इनके बीच का एंगल क्या होगा, डिफ्लेक्शन एंगल, अभी इसको आप डेल्टा वन या थीटा वन भी कह सकते हैं, ठीक है, डेल्टा वन अभी मान के चलिए डेल्टा वन, ठीक है। इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर सेकंड पॉइंट का हम देखें तो सबसे पहले मैं सेकंड पॉइंट के लिए एक कर्व बना देता हूं, यहां पे एक कोड बना देता हूं, सब कोड, सॉरी ये रही सब कोड, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि पॉइंट ऑफ कर्व से इस पॉइंट तक का जो टेंजेंट होगी, जो कोड होगा, और जो हमारी पॉइंट ऑफ कर्व से जो टेंजेंट जा रही है उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, डेल्टा टू, डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ कर्व से जो टेंजेंट जा रही है और जो शॉर्ट टेंजेंट है ना, स्मॉल टेंजेंट जो है एक कोड है, सॉरी, इस तक का होगा आपका डेल्टा टू, थीटा टू। अब इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर थर्ड पॉइंट पे जाए सी पे, तो सी तक लाइन खींचेंगे और इस पॉइंट से जो सी तक का आपका एंगल होगा वो डेल्टा थ्री होगा, और इससे सब कोड, यहाँ पे एक सब कोड होगी, उस सब टो कोड तक का एंगल होगा डेल्टा थ्री। केवल फर्स्ट वाले में डेल्टा और थीटा वन ये दोनों एंगल जो हैं इक्वल हैं, उसके बाद सारे में अलग अलग हैं, और इस कोड के अकॉर्डिंग ये प्रूफ भी कर सकते हैं हम कि यहाँ पे सेंटर से जो कर्व वो एंगल बन रहा होगा ये डबल बन रहा होगा, याद होगा आपको टू, अभी इसको प्रूफ भी कर देंगे वन और ये टू। बुक में जो डायग्राम दिया है वो थोड़ा समझ में नहीं आता, ठीक है, इसलिए डायग्राम बनाया है टू डेल्टा थ्री, ठीक है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग जब हम किसी कर्व को ग्राउंड पे सेटिंग आउट करते हैं तो हमें हर चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये जो प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूँ, ये जो कर्व है, इस तरह की कर्व है, इसको जब ग्राउंड पे आप ड्रॉ करोगे तो आपको इस कर्व के हर पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए ना, तभी तो आप ग्राउंड पे करोगे, तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो ये लेंथ है, ये एंगल्स हैं, ये सब क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, इनकी हेल्प से आप कर्व ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन इस क्या कहते हैं मेथड के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि भाई जो हमारा अगर कर्व पे कोई भी पॉइंट है, कर्व पे कोई भी पॉइंट है ए और पॉइंट ऑफ कर्व है यहाँ पे ये ओ और या टी वन, यहां से जो आपकी जा रही होगी टेंजेंट और इस पॉइंट से ही जो लाइन जा रही होगी उस पॉइंट तक ए तक, उनके बीच का जो होगा वो डिफ्लेक्शन एंगल होगा, वो यही कह रहा है,
ठीक है, और एक और एंगल थीटा वन हमने मान लिया है टेजेंट टू सब कोण के बीच का। जब दूसरा पॉइंट हम लेंगे यहाँ पे, मान लो बी ले रहे हैं, तो इसकी एक छोटी सी सब कोण होगी, तो इस टेजेंट और सब कोण के बीच का एंगल थीटा टू, और यहाँ से अगर पूरी एक लाइन खींच देंगे पॉइंट ऑफ कर्व से, तो जो एंगल बनेगा वो डेल्टा टू। ये इस मेथड, ये मेथड ये कह रहा है। अब बुक में चलते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है इन दिस मेथड द कर्व लॉक के डिफ्लेक्शन एंगल एंड द कोट लेंथ फॉर्मूला कैलकुलेट डिफ्लेक्ट। ठीक है, ये कह रहा है तीन पॉइंट है हमारे, T1 से A1, AB और BC। अगर हमारे पास तीन पॉइंट हैं A, B और ये C और ये T1 है, तो कोट लेंथ क्या होगी, सब कोट लेंथ T1A, AB और बी सी, वही ये कह रहा है। एंड द नेम ऑफ द सब कोड इज C1, C2, C3, सब कोड के नाम C1, C2। और ये जो इनके साथ टेंजेंशियल एंगल बन रहा है, यानी कि इस टेंजेंट के साथ जो इन सब कोड का एंगल बन रहा है, डेल्टा वन, डेल्टा टू और टेंजेंशियल एंगल थ्री। ठीक है, ये ही कह रहा है। और जो डेल्टा वन डिफ्लेक्शन एंगल है वो क्या है, वो क्या है, वो जब कह रहा है कि अगर अगर उस पॉइंट तक हम पॉइंट ऑफ कर्व से लाइन खींचेंगे, तो जो एंगल बन रहा है वो डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री बन रहा है। अब बुक का जो डायग्राम है उसमें भी देख के समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। बुक का डायग्राम ये है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे डेल्टा वन, डेल्टा टू लाइन एक्सटेंड कर दी और कुछ नहीं किया है, और यहाँ पे थीटा वन, टेंजेंशियल एंगल वन, टेंजेंशियल टू, और सेंटर पे जो बन रहा है इसका डबल एंगल बन रहा है। अब इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा, कैसे हम इनकी रिलेशन निकालें। एंगल वी ए वन और ए इज इक्वल टू एंगल ए वन टी वन ए प्लस ए वन ए टी वन। इसको मैं ग्राफिकली बता देता हूँ इसमें, तभी समझ में आएगा ये क्या कह रहा है। एंगल ये वाला, जूम करना पड़ेगा इसको बहुत ज्यादा क्योंकि ऐसे देख नहीं पाओगे आप। यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके सम के बराबर है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, ए वन टी वन ए वन, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं ए वन टी वन और ए, ये एंगल प्लस ए वन ए और टी वन, ये एंगल इज इक्वल टू ऊपर क्या है आपका, क्या कहते हैं, वी है ना, वी ए वन ए इस एंगल के है। ठीक है, वही किसके आ जाता है, डेल्टा के। देखो यहाँ जो कह रहा है, डेल्टा वन और डेल्टा टू के बराबर टू डेल्टा आ गया। प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर कर्व, तो प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर कर्व के अकॉर्डिंग ये सेंटर वाला जो एंगल है आपका, ये इसके बराबर आ जाता है, यानी कि ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, इसके एंगल के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने सारे एंगल निकाले हुए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है ये, हाँ, कोण की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, पहली कोण कितनी कोण है इसमें, तीन कोण है। आप देखोगे तीन कोण है, सी वन सी टू सी थ्री। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट कोण है उसकी जो लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है रेडियस ऑफ द कर्व, और जो सेंटर में एंगल बन रहा है टू टेंजेंशियल एंगल वन। ठीक है, रेडियन में ये लिखा हुआ है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई किया गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से हमारा डेल्टा वन सी वन की फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, पर टू की वैल्यू पता है हमें, 180 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पर और 60 की वैल्यू पता है, तो मिनट में निकालने के लिए इसकी वैल्यू आ गई 1718.87 C1 बाय आर मिनट्स। कितना
इसकी डेल्टा वन की वैल्यू टेंजेंशियल एंगल वन की, ठीक है, टेंजेंशियल एंगल टू की भी सेम ऐसी आ जाएगी, केवल वहां पे कोड लेंथ क्या आ जाएगी सी टू। के बाद डिफ्लेक्शन एंगल, फर्स्ट डिफ्लेक्शन एंगल तो आपका उसी के बराबर है ना, फर्स्ट टेंजेंशियल एंगल के बराबर। सेकंड डेल्टा एंगल क्या होगा, फर्स्ट डेल्टा एंगल प्लस सेकंड टेंजेंशियल एंगल, याद हो आपको, तो उसको डायग्राम में समझा देता हूँ ये क्या कह रहा है। एक बना के जब समझ में आएगा, मैंने सारे सारे पॉइंट दिखा दिए ना यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा वो हो गया। एक पॉइंट को समझते हैं, तीनों के तीनों पॉइंट वैसे ही हैं। ये है आपकी कर्व, ये है आपकी रेडियस, और ये है आपका पहला पॉइंट ए, और ये ए से है आपका, पहले पॉइंट से समझ में नहीं आएगा, दूसरे पॉइंट से समझ में आएगा, ठीक है। पहले पॉइंट में तो दोनों एंगल सेम आ रहे हैं ना, ये है आपका पॉइंट बी यहाँ पे, दोबारा से बना देता हूँ, ये है कर्व, ये है पॉइंट बी, और ये है हमारा रेडियस, ये है हमारी टेंजेंट, ठीक है, और ये है हमारी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है ए, तो ये है हमारा सब कोड, ठीक है, और इस टेंजेंट से सब कोड का एंगल कितना है, टेंजेंशियल एंगल टू, ठीक है, और यहां से एक हम लाइन खींचेंगे तो यहां तक का एंगल कितना है, ये है डेल्टा टू, ठीक है, और ये क्या है हमारा एंगल, ये क्या है हमारा डेल्टा वन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि डेल्टा टू जो है वो क्या है आपका, डेल्टा वन प्लस ये टू, इन दोनों का समेशन आएगा, ठीक है, यानी कि डेल्टा बराबर वन, डेल्टा टू बराबर क्या है डेल्टा वन, डेल्टा वन एंगल, ये वाला एंगल, ये प्लस डेल्टा टू एंगल, डेल्टा टू क्या है आपका ये वाला एंगल, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका ट्रायंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह अगर डेल्टा थ्री लें हम, तो डेल्टा थ्री क्या हो जाएगा, डेल्टा टू, या हम बोल सकते हैं डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री। तो इस हिसाब से हमें बताना है कि डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो डेल्टा टू बराबर वी टी वन बी, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टेंजेंशियल एंगल टू, ठीक है, और ये डेल्टा वन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेंजेंशियल एंगल वन, तो ये टेंजेंशियल एंगल वन प्लस टेंजेंशियल एंगल टू आ गया। तो इसी तरह अगर एन नंबर्स का निकालें हम, तो क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल एंगल वन प्लस टेंजेंशियल एंगल टू प्लस टेंजेंशियल एंगल थ्री डैश डैश प्लस प्लस टेंजेंशियल एंगल एन, और इसको अगर हम एन की फॉर्म में निकालें तो इसको हम बोल सकते हैं टेंजेंशियल डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा एन माइनस वन प्लस टेंजेंशियल एंगल एन। ये बता चुका हूँ, याद आ गया होगा आपको उसी तरीके से था। तो ये था आपका रैंकाइन मेथड, जिसमें हमें डेल्टा एंगल निकालना था, ठीक है। अगर हम कोई एक एंगल मेजर कर लें थियोडोलाइट की हेल्प से, तो दूसरा एंगल इस इक्वेशन से निकल जाएगा, और जब एंगल निकल जाएगा तो हमें लाइनें खींचनी है। इसका प्रैक्टिकल मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, अगर प्रैक्टिकली आप समझो, अगर आपको सारे एंगल की वैल्यू पता है, ठीक है, तो क्या होगा, आप एंगल की वैल्यू होगी तो एक आप कोड सब कोड ऐसे खींच सकते हो, एक टेंजेंट ऐसे खींच सकते हो, दूसरी सब कोड ऐसे खींच सकते हो, तीसरी सब कोड ऐसे खींच सकते हो, चौथी सब कोड ऐसे खींच सकते हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कर्व ड्रॉ हो गई ना ग्राउंड पे। और याद हो तो मैंने बताया था कि जो सब कोड होती है वो लगभग कर्व लेंथ के इक्वल ही होती है ना, याद हो तो आपको, कर्व जब स्टार्ट किया तो सब कोड की बात बता रहा हूँ। एक प्रॉपर कर्व के अंदर बहुत सारी सब कोड होती हैं, एक सब कोड एक चैन लेंथ के बराबर होती है, फुल चैन लेंथ के बराबर, और लास्ट की और फर्स्ट की हो सकता है वो अलग अलग हो, चेनेज जब हम निकालते थे, और यही कर्व लेंथ के इक्वल होती है।
तो इस कोड को सब कोड को ग्राउंड पे ड्रॉ करने के लिए किसी एक पॉइंट से अगर हमें एंगल्स पता हैं थर्योलाइट की हेल्प से, ये लेंथ तो पता है हमें एक चैन के बराबर होगी और एंगल भी पता है, और यहाँ से दूसरे सब कोड का एंगल, यहाँ से तीसरे सब कोड का एंगल, तो हम एक कर्व जो होगी जो हमने पेपर पे डिजाइन की थी उसको ग्राउंड पे भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो दो चीजें होती हैं कि हमारा एक दो रोड है, वहां से एक रोड से दूसरी रोड पे जाने के लिए वहां पे कर्व प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो उस कर्व की लेंथ वेंथ, लेंथ कर्व ऑफ द लेंथ और टेंजेंट पॉइंट एपेक्स पॉइंट क्या होंगे वो पेपर पे आपने डिजाइन कर लिया। अब उस डिजाइन कर्व को ग्राउंड पे हमें एस्टेब्लिश करना है, तो हम एक सेटिंग आउट उसे बोलते हैं। फिर एक और एग्जांपल है उससे बताता हूं मैं, शायद हो समझ पाओ या नहीं। आपने ना एक कमरा बनाया पेपर पे चार लोगों के लिए, तो आपने पहले कैलकुलेशन की कि चार लोगों के लिए कितना बड़ा कमरा होगा, तैयार होना चाहिए। तो आपने पता लगा लिया 3 मीटर बाय 2 मीटर का कमरा होगा, चार लोगों के लिए काफी है। ठीक है, अब ये है आपके पास ग्राउंड। ठीक है, और इस ग्राउंड में आपको कहाँ ये एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए क्या करोगे, इसको कहाँ रखना है, इस प्लॉट पे कहाँ इस कमरे को लगाना है। तो आपको बताया गया कि भाई आपको ये पता है कि इसके कॉर्नर से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं और इसको के कोऑर्डिनेट ओवरलैप करने हैं, तो यहाँ से उठा के इसको रखेंगे तो कमरा में पता चल जाएगा कि ये यहाँ रखना है। तो इस कमरे को यहाँ पे फिट करना क्या हो गया, ये सेटिंग आउट हो गया। ठीक है, तो जो आपने एलिमेंट्स निकाले थे वो डिजाइन करना होगा, जो रिलेशन निकाली थी रेडियस ऑफ कर्व और डिग्री ऑफ कर्व के, वो हो गया आपका डिजाइन। और इस कर्व को ग्राउंड पे सेट करने के लिए इसको हो गया सेटिंग आउट, जिसमें दो मेथड लीनियर एंगुलर मेथड। लीनियर में भी फिर आपके आता है एक ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, बाइसेक्शन, ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, ऑफसेट फ्रॉम क्या कहते हैं कॉर्ड प्रोड्यूस। रैंकाइन में आता है उसका, एंगुलर में आता है आपका रैंकाइन मेथड, टू थर्डोलाइट मेथड और टैकोमेट्री मेथड। ठीक है, सारे सिमिलर से एक एक इक्वेशन आपको याद करनी है, एक बार देख लेना इसको। तो जिस तरीके से स्टूडेंट ने इस कर्व के बारे में पूछा कि सर दोबारा रिपीट कर दीजिए, इसी तरह से आप किसी और के बारे में भी, किसी और टॉपिक के बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये जो PDF मैंने ओपन की हुई है इसमें कर्व का बहुत अच्छा दिया हुआ है न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, इसको मैं अभी आपको भेज देता हूँ, कर्व आपको पढ़ना हो तो यहाँ से बिल्कुल सही से पढ़ सकते हो कर्व यूनिट।